आप लोग, साल शेष होने वाला है और नई साल की शुभारंभ होने वाली है। बधाई हो आपको सबसे 2020 की, हैप्पी न्यू ईयर की। लेकिन उसके साथ आपको इस वीडियो को जो भी देखने जाया था, जो भी बच्चे WBJEE दे चुके हैं या फिर JEE मेन दे चुके हैं या फिर नीट दे चुके हैं, वो बच्चे देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस वीडियो में आपको जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ WBJEE 2020 के 22 के बारे में। इसलिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो जितने भी बच्चे आने वाले हैं, मतलब इस साल WBJEE 22 देने वाले हैं, उनसे ये कि अगर आपके कज़न, आपके ब्रदर या फिर आपका कोई भी रिलेटिव्स, क्या या फिर कोई भी आपका स्कूल ग्रुप या फिर जूनियर जो भी है, उनसे बताओ कि इस वीडियो में, इस चैनल में मैं आपको WBJEE, JEE मेन, नेट जैसे NDA रिलेटेड सारा का सारा टॉपिक एक साथ कवर करूंगा, चाहे उस एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन से लेकर अंत तक काउंसलिंग, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग तलक मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इस सारा चैनल में सब आपको डिटेल्स मिलेगी। अगर मैं आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इसी तरह और भी वीडियो पाने के लिए आपको बेल आइकन को दबा देना है, क्योंकि जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट इसी तरह न्यूज आने वाला है, चाहे वो JEE मेन का हो, नीट हो या फिर WBJEE का, हर किसी का न्यूज सबसे पहले आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा WBJEE 2020 के बारे में A to Z, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आपको कौन सी कॉलेज मिलेगी, क्या फीस है, क्या कॉलेज मतलब वर्थ इट है भी या नहीं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, सारा का सारा कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आप सबसे पहले आ जाते हैं कि WBJEE, सबसे पहले अगर आप WBJEE क्या होता है अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड आर्किटेक्चर कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए जो आपको स्पेशल टेस्ट देना होता है, वो है WBJEE यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब इसका जो इसके अलावा इसके थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, उसमें आपको कोर्स कर सकते हैं कौन सा, फार्मेसी, आर्किटेक्चर एंड जितने तरह के इंजीनियरिंग ब्रांचेस है सभी में आप कोर्स कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन WBJEE 2020 के बारे में, रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा एंड एग्जामिनेशन जोन्स कहाँ एग्जामिनेशन होगा। एंड सबसे पहले एग्जामिनेशन जोन्स के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ कि एग्जामिनेशन जोन WBJEE आपको डरने वाली कोई बात नहीं, वेस्ट बंगाल के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 3 से 4 सिटी आपको मिलेगी। अगर आपको जोन्स जानना है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, जोन्स वाले जितने भी जोन्स हैं वो मैं आपको जो सारा का सारा मैं आपको ना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आपको जाके पहले ज्वाइन हो जाइए। कितने कितने आपके आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, वो कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा, क्योंकि आपके बगल में कोई भी कौन सा बढ़िया जो जोन्स होगा, कौन सा बढ़िया आपका एग्जाम सेंटर होगा, मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा। इसके अलावा आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन से बोर्ड से, केवल कौन से बोर्ड, क्या हर एक बोर्ड का बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि लगभग हर एक बच्चे इंडिया में जितने बोर्ड हैं, चाहे वो ICSE, CBSE या फिर WBEE या फिर किसी स्टेट बोर्ड, हर एक स्टेट बोर्ड के बच्चे इसमें एडमिशन दे सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, जो सिर्फ ये कंडीशन है कि आपको वेस्ट बंगाल में आके देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि टाइम टेबल ऑफ 2020 के एग्जामिनेशन। सबसे पहले अगर आपको शेड्यूल दिखा दें जो भी टाइम टेबल का, वो आपको मैं तो बताऊंगा आपको, सबसे उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो 24th of December 2021 को स्टार्ट होने वाला है, जो अंत होने वाला है इसका लास्ट डेट ऑफ जो भी एप्लीकेशन उसका 10th of January 22 में, इसका शाम को 6 बजे तक इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का। इस चीज़ को दिमाग में रखना, जितना जल्दी हो सके आप एप्लीकेशन करना। मैं एक लाइव डेमो वीडियो भी ला दूंगा, आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। सो बाकी का जो भी डेट्स आप इसमें एक बार नोट कर लीजिए, पेन कॉपी में नोट कीजिए, या फिर मैं आपको तो लगातार इन्फॉर्म करता रहूँगा। अब चलते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की ओर कि आखिर क्या बताना चाहता है। सबसे पहले अगर आ जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको एक बात बता देते हैं कि
जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, आपको चाहे कॉलेज रिलेटेड या फिर जितने भी कॉलेज है इस WBJEE में, जितने भी कॉलेज है इसके में, आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू एडमिशन बुलेटिन केयरफुली बिफोर द अप्लाई एग्जामिनेशन। देखो यार, पूरा 44 पेज का एक है, इतना पढ़ने के लिए या फिर इतना समझने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ। इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ओनली कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसी को सिर्फ ध्यान रखना है। उसके साथ ही आप लोगों को इस एडमिशन में, इस WBJEE 2020 में एडमिशन अगर लेना चाहते हो तो, या फिर एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तब इसे देख लेना। आपको सबसे पहले आ जाता है कि कितने रुपीज़ इसे देना पड़ेगा इस एडमिशन के लिए। देखिए, एग्जामिनेशन फी कैन बी पेड बाय नेट बैंकिंग। एप्लीकेशन फी द एग्जामिनेशन 500 रुपीज़ फॉर द जेनरल कैंडिडेट एंड 400 रुपीज़ फॉर द SC ST OBC एंड OBC भी। तो आपका जो भी फीस वाले कंडीशन वो क्लियर हो चुका है। इसके अलावा आपको फीस के लिए जो भी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग हर एग्ज़ाम की तरह इस एग्ज़ाम में भी सेम है। सबसे पहले आ जाते हैं कि शेड्यूल मैंने आपको दिखा दिया, एंड पेपर्स एंड रैंक के बारे में बताएं, जो भी वो आने वाला आपको जो भी होगा, जितने नंबर के अनुसार आपका रैंक आएगा। अगर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बताएं, तो मैं आपको आपने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन से दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक टेलीग्राम का। टेलीग्राम में जाके आप ज्वाइन कीजिए, उसमें मैं आपको टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे दूंगा। इससे होगा क्या, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन POIQ से आपको, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते, ओनली फॉर प्रीवियस अगर क्वेश्चन करके जाओगे, तो मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि आपको एक मीडियम लेवल का कॉलेज, आपको टॉप 10 कॉलेजों में आपको डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता, ये मैं पिछले 2-3 4 साल के एक्सपीरियंस से अपना बता रहा हूँ, आप इसे फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप बेनिफिशियल होंगे। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन अगर बताएं कि सिलेबस एग्जामिनेशन मैं आपको दे दूंगा, ये सारा का सारा PDF मैं आपको डाल दूंगा, लगभग सेम है एज कम्पेयर टू द आपको जो भी आपका स्पेशली, अगर इसमें ज़्यादातर बच्चे WB बोर्ड के हैं, WB बोर्ड में जितना जो भी सिलेबस वो सारा का सारा आप पढ़ के आइए, उसी के हिसाब से इसका एग्जामिनेशन होगा। आपका जो बोर्ड का सिलेबस है सेम एज इट इज, सेम, कुछ एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपको कौन सा बुक्स फॉलो करना चाहिए, मैं बुक्स के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए कि नॉट ओनली WBJEE के अलावा, अगर आपको JEE मेन या फिर नीट के लिए आपको, या फिर NDE के लिए रिलेटेड आपको बुक्स के रिलेटेड या फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। एंड इसके अलावा स्कोरिंग मेथोडोलॉजी, आपको क्या ट्रिक्स अपनाना है जिससे आपका स्कोर 100+ हो, एंड सबसे बड़ी इसके जो सबसे बेहतरीन कॉलेज जो रिटर्न ऑफ यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, मतलब अगर इंडिया में सबसे बेहतर, वन ऑफ द नहीं, सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी का रैंक इसे मिला है जादवपुर यूनिवर्सिटी को, रिटर्न इन्वेस्टमेंट के तरफ से, या फिर CSE IT में जो भी एवरेज पैकेज के अलावा, एवरेज पैकेज वो 20 लाख पर एनम है। अगर बात करें रैंक, इसके अलावा टाइप रैंकिंग मेथोलॉजी इन डिटरमिनेशन और मैट्रिक्स रैंक, एंड इसके अलावा GMR रैंक क्या होता है, TFW क्या होता है, रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। एंड इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, आपको एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में आपको मैं बता दूँ, जो भी आपका एडमिट कार्ड, आपको जो भी एप्लीकेशन करते वक्त आपको एडमिट कार्ड लगेगा, आपका 10 का मार्कशीट लगेगा, 10 का मार्कशीट एंड 10 का जो एडमिट कार्ड होता है वो लगेगा। इसके अलावा भी आप अगर बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको अगर इन डिफ़ॉल्ट अगर आप मेरे रूल्स के हिसाब से चलते हो, तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। अगर नहीं भी मिलती है, तो आपको अगर किसी भी ऐसे कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है वहाँ पे आप एडमिशन लेके अपना अच्छा पैकेज ले आ सकते हैं। मैं उसका सारा का सारा क्राइटेरिया आपको बताऊँगा, तो वीडियो इस चैनल पर बने रहिए। इसके अलावा अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक SC ST PW, तो डेफिनेटली उसका एक सर्टिफिकेट बना के रखना। एंड WB एक खुशखबरी, आप एक खुशखबरी बोल सकते हो या फिर कुछ और, क्योंकि WBJEE में रिजर्वेशन कोटा 90% रिजर्वेशन WBJEE के वाले वेस्ट बंगाल वाले के लिए है। अगर आप PWD से बिलोंग करते हो, तो डेफिनेटली आप PWD सर्टिफिकेट बना के रखिए। एंड ट्यूशन फी वेवर स्कीम इसमें अलाउ होता है। कुछ कॉलेज फिर से JEE मेन के थ्रू भी एडमिशन लेता है। मैं सारा का सारा डिटेल चीज़ आपको बताता रहूँगा आने वाले वीडियो में। अब आते हैं कि
इस जो भी एप्लीकेशन होने वाला है उसमें आपका करेक्शन एप्लीकेशन भी होने वाला है, काउंसलिंग में क्या क्या लगेगा, क्या क्या प्रॉपर में क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अगर वेस्ट बंगाल के हो डेफिनेटली आपको डोमिसियल सर्टिफिकेट जरूरी है। इसके बाद आप स्पेशल कोटा से बिलोंग करते हो तो उसका तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। एंड ये सारा का सारा आपको मैं बता चुका हूँ। अगर पेपर ऑफ मतलब मोड ऑफ एग्जीबिशन की बात करें जो वो ऑफलाइन होता है, अब वो पेपर टोटल दो पेपर आता है, एक में पेपर वन जो कि मैथमेटिक्स होता है। टाइम टेबल अगर की बात करें तो 11 AM से लेके सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक एक पेपर होता है। एंड उसके इसके अलावा भी दूसरा जो पेपर होता है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, जो कि 2 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे से लेके जो भी आफ्टरनून का 4 PM तक, शाम 4 बजे तक होता है। इसी तरह अगर पेपर्स एंड रैंक्स के बारे में बात करें, यहाँ पे मैंने दे दिया है। और अगर क्वेश्चन के बारे में बताएं कि क्वेश्चन का कैटेगरी क्या होता है, आपको PO की मिल जाएगा ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन का अगर ग्रुप बताएं कि मैथमेटिक्स में जो भी टोटल 50, हर एक पेपर मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथमेटिक्स में इसमें 50 क्वेश्चन आता है। अगर कैटेगरी वन में टोटल उसमें से 15 क्वेश्चन जो कि है 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करते हैं। एंड अगर 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें 2 नंबर, उसमें भी 2 नंबर है, 10 ऐसे क्वेश्चन जिसमें नेगेटिव नो नेगेटिव मार्क्स होते हैं, एक में 50% में नेगेटिव मार्क्स, 0.5% नेगेटिव मार्क्स होता है। एंड 50 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें 0.25 मार्क्स डायरेक्ट होते हैं नेगेटिव मार्क्स के लिए। अगर फिजिक्स के बारे में टोटल 30 क्वेश्चन है, 5 5 एंड 40, टोटल 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह 1 मार्क के क्वेश्चन केमिस्ट्री में 30 आते हैं टोटल। इस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बात करें मैथमेटिक्स में 75 एंड फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 40, इसी तरह आपका हो चुका है। टोटल मार्क्स की अगर बात करें 200 में लाना है आपको। 200 में अगर सबसे टॉप लेवल का कॉलेज चाहिए तो आपका स्कोर होना चाहिए 120+। सिलेबस अगर की बात करें, सिलेबस में इसका डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि मैंने बता दिया आपका जो बोर्ड में पढ़ाया जाता है एज लाइक सेम आपका सिलेबस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ सारा का सारा कुछ अब मैं आपको बता दिया, कितना नेगेटिव कितना है। आगे चल के मैं आपको एक फुल लाइव डेमो वीडियो वाला आने वाला है, जो भी वो WBJEE 2020 का फुल लाइव डेमो वीडियो, आप कैसे एडमिशन कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे एप्लीकेशन करना है, क्या क्या ज़रूरत है, एंड आप मोबाइल से कर सकते हैं कि नहीं, या फिर डेस्कटॉप ही ज़रूरी है, या फिर आपको साइबर कैफ जाना ज़रूरी है, सारा का सारा कुछ मैं आपको उसमें बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, लेते हैं अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक बाय, हैव अ गुड डे।